शुरू कर शुरू सकते हैं संदीप भैया। हाँ करें। हाँ ठीक है, तो सिमरन है चूंकि, तो वही मॉडरेट करें फिर। अच्छा, सो टुडे हर्लीन हैज नॉट जॉइन्ड इन। तो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द रिकरिंग एपिसोड्स ऑफ सत्याग्रह वॉइसेस फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। जस्ट अ फ्यू डेज अहेड ऑफ द पॉपुलर रैली दैट इज टू बी हेल्ड बाय द फार्मर्स इन रेजिस्टेंस टू द फार्म बिल्स ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। We are learning of new and new developments each day. And one of the new developments today was when the Supreme Court had remarked that the Delhi police is supposed to be responsible and is supposed to give the, permissions and carry out the way the trolley march and rally is supposed to be carried out. Now, this says a lot about who is answerable and what is the first line of command and what impact does it create for the march, for the trolley march that is planned. And apart from that, I think the round of conclusions also again yielded no result. So in light of this, we would like to discuss about the new developments that are taking place on ground and what is there and what does it say about the length and the resilience that is building up in the movement. So over to Sandeep Ji. थैंक यू सिमरन। एक तो खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने जल्दी जल्दी में 2 दिन में मैंने सिमरन और ये एक ऐसा इत्तेफाक था कि मैं सोच रहा था कि मैं सिमरन को लिखूं कि हम एक आर्टिकल लिखें, और उसी समय उसका मेल आया कि उसी बात को लेके कि एक आर्टिकल लिखना चाहिए। तो हरलीन से पहले ही बात हो रखी थी, तो हमने एक आर्टिकल 2 दिन के अंदर लिखा और इंडियन एक्सप्रेस ने उसको 1 दिन के अंदर अपने ऑनलाइन वर्जन में लगा दिया है। आज वो आर्टिकल आया है और बॉबी ने उसकी लिंक डाली है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। तो इस समय जो है किसानों की बात जोर पे है, और इधर पिछले 2-3 दिन हम लोग प्रोटेस्ट में काफी व्यस्त रहे। संडे को हमने कानपुर में कंपनी बाग चौराहे पे कानून की प्रतियां जलाई, और उसके अगले दिन यानी कि परसों की बात है, हम सीतापुर में एक गांव है चांदपुर फरीदपुर, वहां पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पत्थर बनाने वाले बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं अपने साथ, और सोशलिस्ट पार्टी के जो मजदूर हमारी यूनिट है सोशलिस्ट मजदूर सभा, उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी उसी गांव में रहते हैं, मुन्ना लाल जी, वो भी उसी कम्युनिटी के हैं। और मुन्ना लाल जी ने ये तय किया था कि वो अपने गांव से, जो उनकी तहसील है महमूदाबाद, वहां तक एक एक साइकिल मोटरसाइकिल जुलूस निकालेंगे और फिर कानून की प्रतियां चलाएंगे। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि रात को 2:30 बजे पुलिस उनके घर पहुंची और उसने पूछा कि आप क्या करने वाले हैं। उन्होंने बोला हम जुलूस निकालने वाले। तो उन्होंने कहा आपने परमिशन ली? तो मुन्ना लाल जी ने कहा कि भाई परमिशन की जरूरत इसलिए नहीं मैंने समझी क्योंकि हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट होने वाला है। तो खैर पुलिस ने उनको कहा कि आप सबको मना कर दीजिए और अपना जुलूस मत निकालिए, और चली गई। लेकिन सुबह 8 बजे मुन्ना लाल, बनारसी और सतीश नाम के 2 लोग और एक हनुमान प्रसाद, 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, और वहां से दूर 6-7 किलोमीटर दूर जो उनका थाना है रामपुर मथुरा महमूदाबाद तहसील का सीतापुर जिले का, वहां पे उनको ले जाके बैठा दिया। अब मैं अपने दूसरे साथी अशोक, जो उसी कम्युनिटी के हैं पत्थर वालों की, उनके साथ मैं मोटरसाइकिल पे लखनऊ से निकला, कोई 60 किलोमीटर की दूरी है, और रास्ते में ही एसओ का फोन आया कि आप सीधे थाने पे आ जाइए। तो हमने कहा हम थाने पे क्यों आए? हमें मालूम था कि हम लोगों को भी डिटेन कर लेगा। हमने कहा मैं तो गांव जा रहा हूँ और हम अपना प्रोग्राम करेंगे। तो मैं गांव पहुंचा, पुलिस वहां पहले से मौजूद थी। खैर हम मोटरसाइकिल पे थे, वो सोच रहे थे कि हम कोई गाड़ी वाड़ी से आएंगे। और हम जब गांव के अंदर पहुंच गए और जब लोगों ने अपने गलों में तख्तियां डाल ली नारों की और झंडे ले लिए, और हम जब निकलने वाले थे तो पुलिस गांव के अंदर आई और उसने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। फिर हम लोगों ने वहां नारे वारे लगाए और पुलिस ने कहा कि देखिए 144 लगी है और कोरोना का प्रकोप है, तो
तो हमने फिर उनको डांटा, क्योंकि वो चार पुलिस वाले थे और चारों में से एक ने भी मास्क नहीं पहना था। तो मैंने अपने साथियों से कहा इनकी फोटो खींचो और इनकी फोटो हम बड़े अधिकारियों को भेजेंगे पुलिस के, कि ये हमको बता रहे हैं कि कोरोना का प्रकोप है और खुद बिना मास्क पहने आए हुए हैं। तो वो बेचारे थोड़े घबराए भी और तीन पुलिस वालों ने फटाफट अपने जेब से रुमाल रुमाल निकाल के अपने मुंह पे बांधा, लेकिन एसओ ने फिर भी नहीं बांधा। सुरेश चंद मिश्रा, आप देखिए इनकी जो ढिठाई है कि मैंने कहा इसकी फोटो खींचो, उसकी फोटो खींची गई, फिर भी उसने मास्क नहीं बांधा। तो मैंने कहा कि यार आप ऐसे क्यों, आपको अगर बहाना भी बनाना है तो कोई अच्छा बहाना बनाओ हमें रोकने के लिए। आप कह सकते हो कि आपके ऊपर के अधिकारियों ने मना किया है, आप कोरोना का बहाना क्यों बना रहे हो, आप खुद नहीं मानते हो कोरोना का प्रकोप। तो खैर वहां से मुझे और अशोक को उनकी जीप में बैठा के ले गए और हमने सब गांव वालों को कहा कि सब लोग थाने पहुंचे। फिर वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सब लोग बैठे, लेकिन उन्होंने पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं निकलने दी, तो अपने अपने साधन से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई शेयर्ड सवारी से, थ्री व्हीलर से लोग, कुल मिला के हम 5 और 2 7, और उसके अलावा 31 लोग और आ गए थे, 32 लोग, कुल मिला के 39 लोग हो गए थे थाने के अंदर, जिसमें दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो अपनी माँ के साथ आए थे। तो हमको वहां पे दिन भर बैठाए रखा और फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या करने वाले हैं अब। हमने कहा कि जब आप छोड़ेंगे तो हम कानून की प्रतियां जलाएंगे। तो फिर वो चौकन्ने हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं ये काम तो आप नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि देखिए अगर आपने हमको प्रोटेस्ट मार्च निकालने दिया होता तो हम कानून की प्रति नहीं जलाते, क्योंकि लखनऊ में ऐसा 2 बार हुआ जब हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में पुलिस ने रोका, तो हमने कहा कि भाई डेमोन्स्ट्रेशन हम करेंगे, कानून की प्रति जलाएंगे। तो उन्होंने कहा आप कानून की प्रति मत जलाइए, डेमोन्स्ट्रेशन कर लीजिए। और भले एक जगह तो ये भी कहा बुद्धेश्वर चौराहे पे कि आप डेमोन्स्ट्रेशन आधा घंटा ज्यादा कर लीजिए, लेकिन कानून की प्रति मत जलाइए। तो मैंने उन पुलिस वालों को बताया कि लखनऊ में तो इस तरह से हमको प्रोटेस्ट करने दिया गया और हमने कानून की प्रति भी जलाई है, उन्नाव में, फतेहपुर चौरासी में, कन्नौज में, तिरवा में, लखनऊ के अंदर शहीद स्मारक पे एक दिन जब हमने साइकिल मोटरसाइकिल जुलूस निकाला था 4 जनवरी को, 8 दिसंबर को भारत बंद वाले दिन तो हम लोग डिटेन हो गए थे 15 लोग, लेकिन 4 दिसंबर को हम 4 जनवरी को हमने निकाला और कानून की प्रतियां भी जलाई 1 घंटे नारेबाजी की शहीद स्मारक पे। और सीतापुर जिले की सिधौली तहसील पे भी कानून की प्रतियां जलाई गई दिसंबर के आखिरी हफ्ते में। और फैजाबाद जिले में जिला मुख्यालय पे, जिसका नाम अब अयोध्या हो गया है, वहां पे भी कानून की प्रतियां जलाई गई, लेकिन वो हमें ये करने से मना कर रहे थे, तो हम मान नहीं रहे थे। तो अंत में फिर हमने कहा कि अगर आपने वो जुलूस निकालने दिया होता तो हम नहीं जलाते। तो उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई। तो जो पुलिस एसओ था उसने अपनी गलती मानी कि हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करने दिया, और फिर गांव वालों से पूछा गया कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा चलिए इस बार छोड़ देते हैं, ये अपनी गलती मान रहे हैं। लेकिन मैंने उससे कहा कि हम अगले अगले डेमोन्स्ट्रेशन में उसको जलाएंगे। फिर हम लोग आ गए और आज ये खबर मिली है कि गांव के 17-18 लोगों को नोटिस आई है और ये कहा गया है कि 50,000 की जमानत उनको आके लेनी है एसडीएम की कोर्ट से। और हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर तो 50,000 की ही लगी है, लेकिन सीतापुर जिले में ही 6 और लोग हैं दूसरे संगठन से जुड़े हुए, संगठित मजदूर किसान शक्ति संगठन, जो ऋचा सिंह जी का संगठन है, उनको 10 लाख की नोटिस आई है कि 10 लाख और 2 जमानतदार आप लेके आइए और जमानत लीजिए एसडीएम की कोर्ट से। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि डेमोन्स्ट्रेशन करना किसान का अधिकार है, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर ये नोटिसेस भेज के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनको निरुत्साहित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सारा इसलिए हो रहा है कि लोग 26 जनवरी के डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल ना हो पाए। गुलजार सिंह जी ने पूछा है कि आज कौन सा पॉइंट डिस्कस किया जाएगा, तो मैं तो जो 26 जनवरी की तैयारियां हो रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलूंगा।
ये प्रोटेस्ट हमारे जो चल रहे हैं सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट, वो उसमें ये हुआ परसों, और कल हमारा प्रोटेस्ट है जो आज होना था लेकिन आज किसी वजह से नहीं हो पाया, वो मैं बताता हूँ क्यों, वो कल होगा गोसाईगंज जो तहसील है हमारे, ब्लॉक है सॉरी मोहनलालगंज तहसील का, कल वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन है और कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी लखनऊ जिले के अंदर। दूसरा, हमारे अक्षय भाई जो नव निर्माण समिति नाम का किसान संगठन चलाते हैं उड़ीसा में, वो 550-600 किसानों को लेके चले हैं उड़ीसा से, और आज उन्हें लखनऊ आना था, कल रात को उनको बनारस में रोका गया, आज सुबह वो बनारस जौनपुर की सीमा पे थे क्योंकि जौनपुर सुल्तानपुर होके लखनऊ आना था, उनको जौनपुर से उनकी दिशा मोड़ दी पुलिस ने, उनको बोला कि आप लखनऊ में नहीं आएंगे, और उनको इलाहाबाद कानपुर होके दिल्ली जाने को कहा जा रहा है। लखनऊ में शायद पुलिस वाले या बड़े अधिकारी सोचते होंगे कि योगी आदित्यनाथ नाराज हो जाएंगे इसलिए उनको नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन उन साथियों को दिन भर कोई खाना नहीं दिया गया, अभी वो इलाहाबाद में प्रोटेस्ट स्वरूप सब बस से उतर आए, उन्होंने कहा कि अब आप हमको खाना खिलाइए क्योंकि आपने हमारा रूट बदल दिया है, अगर आप हमको लखनऊ जाने देते तो वहां हमारे खाने की व्यवस्था थी, और अभी वो खाना खा रहे हैं इस समय इलाहाबाद से 30-40 किलोमीटर आगे रुके हुए हैं कानपुर की दिशा में, और मैं उनसे अभी यहाँ से 9 बजे निकलूंगा, 11 बजे मैं उनको मिलूंगा कानपुर में, और वो कल दिल्ली पहुंच जाएंगे, वो 26 जनवरी की तैयारी के साथ निकले हैं उड़ीसा से, बहुत बड़ी बात है। बताइए उड़ीसा कहाँ है और दिल्ली कहाँ है, लेकिन 550-600 लोग 4-5 बसों में 4-5 छोटी गाड़ियों में दिल्ली के लिए निकले हुए हैं अक्षय भाई के नेतृत्व में। और लखनऊ की तैयारी आपको बता दूं, यहाँ भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक, राकेश सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये चढ़ूनी जो ग्रुप है BKU का, उसके साथ ये लोग अलाइंड है, इन लोगों ने 17 तारीख को यहाँ धरना शुरू किया है, दुबग्गा एक जगह है हरदोई की दिशा में, लखनऊ से अगर बाहर निकलेंगे, और वहां पे एक दशहरी मोड़ है, ये दशहरी गांव के पास है जहाँ दशहरी आम पैदा होता है, मशहूर दशहरी आम, मतलब दशहरी आम तो पूरे इलाके में होता है लेकिन दशहरी आम का नाम इस गाँव के नाम पे पड़ा है, उस गांव के पास एक धरना लगा हुआ है 17 तारीख से, और वहां पे तैयारी ये है कि परसों वहां किसान महापंचायत है, और उसके बाद 23 तारीख को राष्ट्रीय कार्यक्रम है गवर्नर को घेरने का, तो 5-10 हजार किसान लखनऊ में प्रवेश करेंगे दुबग्गा से गवर्नर आनंदी बहन पटेल को घेरने के लिए, क्योंकि वो केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि है, और सोशलिस्ट किसान सभा के लोग जो हमारी पार्टी की जो किसान इकाई है उसके लोग भी 100-200 की संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे परसों किसान महापंचायत में, और फिर जब वो किसान घुसेंगे लखनऊ में तो हम भी उनके साथ होंगे। तो इतनी बात मैं रखना चाहता था अपनी तरफ से। So, this is the rough modality of the protest, and these are the unique ways in which resistance and dissent is you know, basically displayed. And now, sir, actually there was a point, and if you can answer to this, provide an answer to this, that काफी लोग ये कह रहे हैं that the whole point of doing this these rallies is to show and display resilience and strength and resistance. And you know, there obviously there are a lot of protocols. आपको पता है Republic Day के पहले काफी checking होती है, and there's a lot of security and tight security, and there's a lot of check around that. So is there a scope of? I trust the protesters fully. I trust the leadership fully because the way they have managed and pulled off a long fight and a long stretch, not just on Singu but also on all the borders. जैसे discipline है, वो सिर्फ वही feel कर सकता है जो इस मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है या जिसने वो प्रोटेस्ट साइट्स देखी हैं, बट फॉर द ऑडियंस, फॉर द लार्जर ऑडियंस एंड फॉर द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द इमोशन बिहाइंड इट, दे आर यूजिंग दीज बेसलेस यू नो एलिगेशंस दैट ये तो मिसयूज होगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ न्यूसेंस क्रिएटेड, देयर विल बी पीपल अंडर द प्रोटेस्ट ऑफ प्रोटेस्टिंग दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ न्यूसेंस एंड देन द गवर्नमेंट विल हैव अ चांस टू ब्लेम यू नो द प्रोटेस्टर्स, but that is anyways going to happen kyunki wo to day one se unko you know they are labeling them and tainting the whole movement, so
दिस व्हाट यू हैव टू से? नहीं देखिए, आपकी बात सही है। हमारे जो पंजाब के अध्यक्ष हैं हरिंदर सिंह मनसाइया, उनका तो कहना है कि इतना शांतिपूर्ण किसान आंदोलन तो पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ इतना लंबा। और ये सही बात कही है सिमरन ने कि लीडरशिप बहुत मैच्योर है, वो बिल्कुल जानती है कि कोई भी वायलेंस होगी तो गवर्नमेंट को मौका मिलेगा। तो प्रोटेस्ट तो पीसफुल होने वाली है, किसान अपने झंडे पे तिरंगा लगाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उनको पूरा अधिकार है। गुलजार भाई कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट पे भी बात होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कुल मिला के तो वो गवर्नमेंट की ही तरफदारी कर रही है जिस तरह से उसने कमिटी बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक दबाव में है क्योंकि जिस तरह से CANRC प्रोटेस्ट को उसने ये कह दिया था कि नहीं वो रास्ता खाली होना चाहिए, लोगों का अधिकार है आने जाने का, इस प्रोटेस्ट के बारे में वो ऐसा नहीं कह पा रही है और उसको कहना पड़ रहा है कि किसानों का ये अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। तो ये बात तो सही है जो बात हमने परसों वो सीतापुर के एसओ को कही कि भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट है और कहीं से भी कहीं जाने का भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो आप हमको ये दो फंडामेंटल राइट्स आप तब तक वायलेट नहीं कर सकते जब तक कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने की आशंका हो या कहीं वायलेंस की आशंका हो। तो अभी तक तो हुआ नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं क्योंकि जो लीडरशिप है वो बहुत उसने पूरी तैयारी की हुई है कि कहीं पे कोई ऐसी वायलेंस की घटना ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़ने पाए। वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। अगर आप प्रोटेस्ट साइट पे जाएं तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और कोई भी वहां पुलिस नहीं है या कोई भी वहां कोई डिसिप्लिन मैनेज करने के लिए कोई वहां वॉलंटियर्स नहीं लगे हुए हैं। खाने के स्टॉल पे कुछ वॉलंटियर हैं, कहीं कहीं कुछ वॉलंटियर्स लगे हैं, लेकिन उस तरह से कोई वॉलंटियर नहीं है कि जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख रहा हो कि वो बनी रहे। लेकिन उसके बावजूद वहां पे बहुत डिसिप्लिन तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट के बीच में से गाड़ियां भी जा रही हैं और लोग भी आ जा रहे हैं, कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि प्रोटेस्ट तो पीसफुल होगा ही और इस बात का ध्यान रखेंगे किसान और किसान संगठन के लोग। और ये गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए कि भाई रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे मनाना कोई सिर्फ इसका ठेका सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं ले रखा है, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को समर्पित किया हुआ है, ये लोगों के नाम पे मना है, लोगों को समर्पित किया हुआ है। वी गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह की भाषा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियाम्बल में। तो ये देश लोगों से चलता है, लोकतंत्र लोगों से चलता है और सरकार हमारी सिर्फ प्रतिनिधि है। सरकार अपना रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे मनाए इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लोगों को भी ये अधिकार है मनाने का। और किसान अगर अपने तरीके से मनाना चाहते हैं, ट्रैक्टरों पे तिरंगा लगा के और जुलूस निकालना चाहते हैं, तो इसमें क्या फर्क है? सरकार जो है वो हथियारों की परेड निकालती है, तो हथियारों की परेड से और तोपों की परेड से तो अच्छा ही है। ट्रैक्टर की परेड की तोप और ये सब तो जो है वॉर और इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ट्रैक्टर तो प्रॉस्पेरिटी का और हमारी पूरी सस्टेनेंस का जो है प्रतीक है। तो बल्कि सरकार को तो ये कहना चाहिए था कि इस बार हम तोपों की और मिसाइलों की परेड नहीं निकालेंगे, हम ट्रैक्टरों की ही परेड निकालेंगे और ट्रैक्टरों को ही अपनी परेड में शामिल करना चाहिए था, लेकिन सरकार का दिल इतना बड़ा नहीं है और इसलिए सरकार डरी हुई है और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के मत्थे ये जिम्मेदारी थोपना चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये प्रोटेस्ट ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पल्ला झाड़ लिया अपना और अब कुल मिला के सरकार के ही सिर पे ये जिम्मेदारी है कि वो उसको देखे कि ये सब कुछ पीसफुल रहे। अगर सरकार ने रोकने की कोशिश की तो स्थिति बिगड़ेगी, इसलिए बेहतर तो यह है कि सरकार को ये प्रोटेस्ट होने देना चाहिए क्योंकि प्रोटेस्टर्स की तरफ से कोई कोई वायलेंस नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि अगर 2 महीने ये प्रोटेस्ट चला है और कोई वायलेंस नहीं हुआ है तो लोग 26 जनवरी को तो और भी ध्यान रखेंगे कि इतना महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। And I think the movement is teaching us, I think, 2 things, sir, most importantly. First is sticking to numbers, sticking to data, sticking to
गिविंग अस अ चांस कि आप एविडेंस बेस्ड पॉलिसी डिसीजंस लीजिए एंड इट्स टीचिंग अस अ लेसन दैट हाउ लॉ मेकिंग हैज टू बी अ वेरी कंसल्टेटिव प्रोसेस इट हैज टू बी अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी जस्ट thrust upon the masses. Second, I think what this movement is teaching is giving a chance to the institutions to speak truth to power. You know, for far long these institutions have been scared away under the majoritarian whatever. So these are the two things, you know, I just wanted to add on to what you said, that we can fully trust the protesters today after two and a half, 3 months into the protest, when we see the way it has been managed, the way it has been coordinated, and jaise unhone apni demands fearlessly rakhi hain, and this just what makes it, you know, the beauty of the protest and what makes it the world's largest gathering. And it has so much to offer, and we have so much to learn from this. So I think Gulzar ji wants to say something. You can unmute yourself. Thank you, Simran. First of all, I am really grateful to Pandey sir. Jis tarike naal apni gal rakhne ha, I must admire his communication skill as well as you. Main sirf do hi gallan karni hai ke sometimes ki hunda what we did ke we criticize something, but if any institution is doing good, we should appreciate also. Some days back, 2 or 3 days back, we were criticizing and we were not sure about the honesty of the highest court of India. But as far as the today's verdict is concerned, Supreme Court really did well. They said ke this is a jurisdiction of the Delhi police as well as the Home Ministry. Ke they should decide whether they should allow the farmers to entering Delhi jurisdiction or not. But I think a government, now government at a back step. How they want ke they should they want ke Supreme Court mein chale jate hain, unse judgment le aate hain ke इस प्रोटेस्ट को रोका जाए, अगर फॉर्मर्स वहां फोर्सफुली एंटर करने की कोशिश करेंगे देन दे कैन यूज फोर्स, दे कैन मीन फोर्सफुल रिसोर्सेज, इवन दे कैन फायर आल्सो, दैट ये जो मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट कुछ कुछ भी हद तक जा सकती थी, मगर वो नाम लगाती कि वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. So what today Supreme Court did, this is really appreciable, and I appreciate this today's judgment. Thank you. Yeah, so I mean the whole idea of this platform is to have a healthy exchange of ideas. We can agree to disagree, we can exchange our ideas even if we necessarily don't have to concur with other people's opinion. And rightly said, we are also critically analyzing the key role that institutions have to play in this movement, and we can obviously have differing opinions over that. I personally, you know, felt that forming a committee and that decision, you know, was a good one, because putting laws on hold is a very bold and something that is a crucial changing point in the movement. But at the same time, there were a lot of questions about the committee. So obviously, there are always two views of seeing a thing. We should not always be radical. We should have a balanced approach. And I totally agree with that. So is there anything else you would want to say prior, or anything specific to the January 26th trolley march, or just generally about the way movement is gaining momentum? एक चीज मैं उसमें बताना भूल गया कि जो हम यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसमें परसों हम लोगों ने ये भी सोचा कि इस पूरे प्रोटेस्ट का जो एक एक तरीके से देखा जाए जो पूरी स्पिरिट है सेवा की, जो हमारे आर्टिकल में भी हम लोगों ने लिखी है, ये जो लंगर की जो सेवा की भावना है, ये इस प्रोटेस्ट को काफी मजबूती प्रदान कर रही है. तो मैंने सोचा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट हमको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है,
तो कुछ लोगों से कहा जाए कि वो लंगर सेवा शुरू करें और एक बैनर लगा दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में लंगर सेवा। तो कल लखनऊ के अंदर यहाँ एक युवाओं का संगठन है, युवा शक्ति संगठन और सोशलिस्ट किसान सभा ने मिलके एक लंगर का भी आयोजन किया और दोपहर में बहुत सारे रिक्शे वालों और इस तरह के गरीब लोगों को वहां उन्होंने तहरी दी और बैनर लगा के किसान आंदोलन के समर्थन में। वहां हम लोग तख्तियां पहन के खड़े थे, वहां से मैंने एक 15-20 मिनट का एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया एक दी पब्लिक पोर्टल के लिए। तो ये हम लोग यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे प्रयास भी कर रहे हैं। कल या परसों से यहाँ जो सब्जी मंडी है वहां पे भी एक एक लंगर की शुरुआत होगी। हमारे एक साथी हैं जियाउद्दीन, वो तैयार हुए हैं ये काम करने के लिए। तो हम लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप और किसी तरीके से नहीं जुड़ सकते, आप दिल्ली नहीं जा सकते, आप अगर जो लोकल प्रोटेस्ट हैं उसमें भी नहीं शामिल हो पा रहे हैं तो आप लंगर चलाइए और बस एक बैनर लगा लीजिए कि किसान आंदोलन के समर्थन में। लंगर भी आप नहीं चला सकते तो लंगर में कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि लंगर इस पूरे आंदोलन की एक एक जान है एक तरीके से देखा जाए, जिसकी वजह से ये आंदोलन इतना सस्टेन हुआ है और आगे सस्टेन हो सकता है। मतलब जो शुरू में प्रोटेस्टर्स आए थे वो कह रहे थे कि हम 6 महीने की तैयारी से आए हैं, लेकिन अगर अभी आप जाके वहां देखें और लोग कह रहे हैं, सिमरन भी वहां गई हैं और हम लोग भी वहां देख के आए 4 दिन, अब तो जो सप्लाईज जो गांव से आ रही है खाने पीने की, अब जो है किसान कह रहे हैं कि अब तो हम 2024 के चुनाव तक इसको खींच सकते हैं। तो जब तक मोदी जी पावर में रहेंगे और मोदी जी ने अगर नहीं माना किसानों की बात तो किसान कह रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे। तो अब भी अगर सरकार को अकल नहीं आ रही है तो फिर तो ये हमको इस सरकार पे तरस ही आती है। दूसरा, अंकित ने पूछा है कि ये पुलिस वो जो जो कानून की प्रति है उसको जलाने के खिलाफ क्यों है जबकि प्रोटेस्ट वो अलाउ कर रही है कुछ जगह, बल्कि ज्यादातर जगह पे कर रही है, सिर्फ सीतापुर में हमको नहीं करने दिया, बाकी यूपी में हमने सब जगह प्रोटेस्ट किया। तो मुझे लगता है अंकित ये इस वजह से है क्योंकि आप देखेंगे तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेटेड पेपर होता है, उसमें वो अशोक का सिंबल होता है, वो जो अशोक स्तंभ पे ना, तीन तीन शेर वाला। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वो बड़ा एक एक क्या कहना चाहिए, उसकी एक सैंक्टिटी है, उनको लगता है कि ये अगर आप इस कागज को जलाएंगे तो एक तरीके से आप जो पूरी गवर्नमेंट है उस पे आप सवाल उठा रहे हैं। तो ताकि उनके बड़े अधिकारी उनसे सवाल ना पूछें कि आपने गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट क्यों जलाने दिया, और वो भी एक लॉ जो पार्लियामेंट से पास हुआ है। तो एक तो पार्लियामेंट की भी सैंक्टिटी है भाई, वो जनता के मैंडेट से पार्लियामेंट बनता है, तो उनको लगता है कि नहीं, ये लोकतंत्र की एक बहुत पवित्र चीज है कि पार्लियामेंट से लॉ बना है, इसको नहीं जलाना चाहिए। लेकिन हमारा कहना है कि आपने कानून गलत तरीके से बनाया, आपने एक तो कंसल्टेशन नहीं किए फार्मर से, और राज्यसभा में जिस तरह से आपने उसको पारित कराया, जबकि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस के डेरिक ओब्रायन, डीएमके, टीडीपी, कई पार्टियों के सांसद जब इसका विरोध कर रहे थे, वो बहस की मांग कर रहे थे, वो वोट की मांग कर रहे थे कि आप उसको वोट करके पास कीजिए, तो आपने ना तो वोटिंग कराई ना बहस कराया, सिर्फ हाथ खड़े करके आपने उस पे एक वो करवा लिया सहमति, और जल्दीबाजी में उसको पारित किया, जिसकी वजह से हमारे सांसदों को संसद के इतिहास में पहली बार संसद के अंदर धरने पे बैठना पड़ा। ये कितने शर्म की बात है कि आपके सांसद जो है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के अंदर धरने पे बैठे हैं, रात को पूरी रात वो बैठे, और सुबह राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरपर्सन है वो चाय लेके आते हैं। तो हमारे मित्र संजय सिंह ने कहा कि हमें आपकी चाय थोड़ी ना पीनी है, आपको जो काम करना था वो तो आप लेके आए, आप हमें चाय पिलाने आए। एग्जैक्टली, तो चाय तो हम प्रोटेस्ट में भी पी सकते हैं। हाँ, चाय तो कहीं कोई भी पिला सकता है, कहीं भी पी सकते हैं। तो हमारे मोदी जी ने कहा कि देखिए हमारे डिप्टी स्पीकर कितने अच्छे आदमी है, कितने भले आदमी है,
लेकिन आपकी भलाई इन कामों से नहीं तय होती है. आपकी आपका इंटेंशन क्या है, ये आपके आपने आपको जो बड़ा काम करना था वो तो आपने किया नहीं. अब आप छोटा काम एक करके दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी है. वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हरिवंश जी, लेकिन उनके मेरे लिए उनके मन में जो भी सम्मान था वो उस दिन कम हो गया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस कानून को पारित कराया उसके बाद से मेरी उनसे बात नहीं हुई. पता नहीं मैं उनसे फिर कभी बात करूंगा कि नहीं, लेकिन जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं किया. और इसलिए हम कानून की प्रति जला रहे हैं कि आपने कानून बनाया गलत तरीके से, आपने इसको जनता के ऊपर थोपा है, आपने इसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, कंसल्टेटिव प्रोसेस से नहीं बनाया है जैसे लोकतंत्र के अंदर कानून बनने चाहिए थे. आप देखिए जो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें मैं जयराम रमेश की तारीफ करूंगा कि बीटी ब्रिंजल पे जो उन्होंने फैसला लिया वो देश में घूम घूम के कंसल्टेशन किए, क्योंकि वो थोड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू था कि बीटी ब्रिंजल को इंट्रोड्यूस किया जाए कि नहीं भारत के अंदर, क्योंकि बीटी कॉटन आ गया था और उसको लेके बहुत सारे उसको ऑपोजिशन भी हो रहा था. तो वो जयराम रमेश जगह जगह गए, उन्होंने कंसल्टेशन किए, और हालांकि उनके ऊपर भी कॉरपोरेट प्रेशर रहा होगा जैसे कि हर एक सरकार के ऊपर रहता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जनता की राय उसके खिलाफ है तो उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया. या आप देखें कि सोनिया गांधी की एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी जिसमें अरुणा रॉय, जॉन ड्रेज, हर्ष मंदर, तमाम इस तरह के लोग थे जो उनको सुझाव देते थे कि आप कैसे अपनी सरकार चलाइए. और ये इसका नतीजा है कि पिछले सरकार में राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, आपके लैंड एक्विजिशन में अमेंडमेंट, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो ट्राइबल्स के लिए था, और वेंडर्स एक्ट, और मैनुअल स्केवेंजिंग के लिए एक्ट, बहुत सारे ऐसे कानून बने. तो मैं ये अपने निर्भया कांड के बाद जो आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह में जो बदलाव किए गए, तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हुए जो जो प्रो पीपल थे, जो जनपक्षीय थे, क्योंकि वो सरकार कंसल्टेशन की प्रोसेस को मानती थी. राइट टू इंफॉर्मेशन कानून में मुझे याद है 2006 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने कुछ परिवर्तन कर दिए थे जिसका जनता ने विरोध किया था. मैं खुद 7 दिन जंतर मंतर पे अनशन पे बैठा था, और अन्ना हजारे अपने गांव में रालेगंज सिद्धि में 11 दिन के अनशन पे बैठे थे, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पृथ्वीराज चौहान फ्लाइट लेके गए बॉम्बे, और वो अन्ना हजारे से मिले और उनको समझाया कि हम जो हमने परिवर्तन किए थे हम वापस ले रहे हैं, अब आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए. तो एक वो सरकार थी जो इतनी सेंसिटिव थी कि कोई भी प्रोटेस्ट करता था तो उससे बात करती थी, और 11 दिन के अंदर पूरा मामला हल हो गया. तो ये एरोगेंस कभी देखी नहीं ना हमने एक्चुअली. ये एपथी है, ये एरोगेंस है, या दीपन है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट व्हाट इट्स डेफिनेटली वेरी समथिंग दैट इज अनबिकमिंग. नहीं, ये एरोगेंस ही नहीं है सिर्फ, ये एक्चुअली इनकी इनकी विचारधारा की प्रॉब्लम है. ये जो बीजेपी की सरकारें हैं, इनको जो आरएसएस से ये प्रेरित है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो इनकी जो जो विचारधारा है उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी उनका एक बहुत डेफिनेट एक उनका आइडिया है, उनको एक हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत, और उसमें क्या कैसे करना है वो उन्होंने पहले से तय कर रखा है. और डिसिप्लिन के नाम पे रेजिमेंटेशन है, वो किसी वो ये मानते हैं कि जो वो सोचते हैं वही सही है. ये वो लोग हैं जो गांधी की हत्या को जस्टिफाई करते हैं प्राइवेट में, और इनके जो सांसद है भोपाल की वो तो खुल के कहती हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, और वो अपनी पोजीशन बदलते नहीं है कभी. ये लॉयल्टी फिक्स्ड जी जी हाँ हाँ तो इनका यही तरीका है, और इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, क्योंकि वो समझाने के मोड में है और जनता समझने को तैयार नहीं है. So, but there's a reason that they are in power. There's a reason that जो उनका मशीनरी है या प्रोपेगेंडा मशीनरी है, they think that they are right, but there's a reason that they manage to convince and you know just be in power each time. And that is something that is very sad. That is something that is you know, we have to question ourselves, we have to, that just makes us question as to why do we fall for this narrative. जी जी.
there must be some dissatisfaction, there must be some frustration, there must be some governance issue or something that makes us elect. And this is a global phenomenon. This just recently got a check, proper balance when the American elections waisa result aaya. So I think globally thoda sa matlab there must be a change. Lekin agar aap dekhen Brazil, UK, haal hi mein USA, yahan par aise hi governments hain. Yahan par this is the phenomena, this is the right wing form of government that people choose to elect. नहीं, आपकी बात सही है. सारी दुनिया में एक इस तरह का वेव चल रहा है जहां राइट विंग गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली. लेकिन चलिए, अमेरिका से शुरुआत हुई है, हर्लीन अमेरिका पहुंच गई है, उसी के साथ वहां की गवर्नमेंट बदल गई है. तो और किक्की संधु हैं जो कुछ बोलना चाहती हैं. आई हैव जी जी ट्राई टू अनम्यूट देम बट बिल्कुल. और किक्की जी बोलिए आप. मैंने आपको अनम्यूट किया है बट आप आई थिंक नहीं, वो खुद अपने आप को खुद अनम्यूट कर ले. या हाँ जी, वी कैन हियर यू. नहीं, फिर उनका माइक ऑफ हो गया. गुलजार जी भी कुछ पूछना चाह रहे थे जब तक किकी जी कनेक्ट होते हैं. गुलजार जी आप पूछ लीजिए, आप कुछ कहना चाहते हैं. थैंक यू हरलीन. फर्स्ट ऑफ ऑल इन कंटिन्यूशन पांडे जी, आज श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती हम पंजाब में मना रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म में आई विश के हम सभी आपको विश करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जयंती की सभी लोगों को बधाई हो. और सेकेंडली, जैसे आपने अभी इन कंटिन्यूशन आपके अभी जस्ट दो मिनट पहले आपने अन्ना हजारे जी का जिक्र किया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस फार्मर एजिटेशन में आप उनके रोल को किस तरह देखते हैं. हाँ, पहले तो भाई आप सब लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन की बधाइयां. ये तो हमको शुरुआत ही इससे करनी चाहिए थी, ये हम लोगों से गलती हुई. और आज यहाँ कई जगहों पे वो मनाया जा रहा है और लोग तो मना ही रहे, सरकार भी जो है. अभी पहली बार हमारे मुख्यमंत्री ने साहबजादा दिवस भी मनाया था कुछ दिनों पहले, इसके पहले सालों में नहीं मनाया. ये जब आंदोलन आपका शुरू हुआ किसानों का, तब जो है उन्होंने उनको याद आई कि नहीं नहीं ये हमको मनाना चाहिए. चलिए, देर आए दुरुस्त आए. तो अन्ना हजारे जी के बारे में मुझे ये कहना है कि देखिए, उनकी उम्र जो है काफी ज्यादा हो गई है और वो जो आंदोलन था 2011 में जब वो अनशन पे बैठे थे, तब भी आप देखिए वो 7 दिन के अनशन के बाद उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी और पूरे पार्लियामेंट ने उनसे आग्रह किया और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देशमुख गए और उनको समझाया और उन्होंने अपना अनशन खत्म किया था. मुझे नहीं लगता कि उनकी अब जो उनकी उनका स्वास्थ्य है वो अब इजाजत देता है कि वो इस तरह के बड़े आंदोलन में शामिल हो सके. हालांकि उन्होंने अपने सपोर्ट का ऐलान किया है फार्मर्स एजिटेशन के लिए, लेकिन उस तरह से वो आके अब अनशन पे नहीं बैठ सकते जिस तरह से 2011 में वो बैठ गए थे. 10 साल हो गए तब से. और दूसरा ये है कि अन्ना हजारे, देखिए उनके पास कोई संगठन नहीं है, वो अकेले व्यक्ति हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, फॉलोअर्स हैं उनके. लेकिन जो पूरा इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन था उसका मैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल की टीम कर रही थी. तो अरविंद के पास प्रोफेशनल लोग थे जो मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह के जानकार थे और उन्होंने प्रेस का अच्छे से सहयोग लिया और जो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं उनकी मदद से वो SMS भेज के लोगों को जुटाने का काम वो करते थे. तो बड़ी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल की टीम छोटी थी उनकी, वो 10-12 लोग से ज्यादा नहीं थे,
लेकिन क्योंकि हम लोग उस समय तक साथ में काम कर रहे थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में लखनऊ में जो मीटिंगें हुई थी मैं उनमें शामिल हुआ था, और जब अन्ना हजारे पहली बार अनशन पे बैठे तो उस दिन भी मैं वहां पे था, 4 अप्रैल 2011 को। लेकिन बाद में जब अरविंद की पार्टी बनी तो हम थोड़ा सा उनसे अलग हो गए। तो हमने बहुत करीब से देखा है वो पूरी, अरविंद की मैनेजमेंट का कमाल था कि वो आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया और उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। इस बार मीडिया का वो साथ नहीं मिल रहा है आंदोलन को जो साथ मिलना चाहिए था, जैसे कि अन्ना हजारे के आंदोलन में मिला था। और जो बात सिमरन पहले कह रही थी कि बीजेपी गवर्नमेंट को लोग चुन के ले आए हैं, उसमें एक बड़ी वजह यह है कि अन्ना हजारे के आंदोलन से मनमोहन सिंह की सरकार को डिस्क्रेडिट कर दिया गया था करप्शन के इशू पे, और अरविंद ने दिल्ली का चुनाव तो जीत लिया लेकिन उनका संगठन इतना बड़ा नहीं था कि वो भारत में सफल होते, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री बनने के मंसूबे से वो गए थे बनारस का चुनाव लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे उनको वो सफलता नहीं मिली जो उनको दिल्ली के अंदर मिल गई थी। तो राष्ट्रीय स्तर पे अन्ना हजारे के आंदोलन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, इसलिए कई लोग अन्ना हजारे के आंदोलन की आलोचना भी करते हैं, क्योंकि वो अगर आंदोलन उस समय नहीं हुआ होता तो कांग्रेस की सरकार इस बुरी तरह चुनाव नहीं हारती और मोदी गवर्नमेंट इतनी ताकत के साथ पावर में नहीं आती। तो कांग्रेस गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करने का काम जो अन्ना हजारे के आंदोलन ने किया उसका लाभ मिला है भारतीय जनता पार्टी को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब जो ये पार्टी पावर में आ गई है तो इसने तो पूरा अपना शिकंजा कस लिया है और ये अब हर एक तरीका इस्तेमाल करती है, जिसमें मीडिया को इसने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है जैसे भारत में पहले कभी हुआ नहीं, सिवाय इमरजेंसी के दिनों में छोड़ के। उस समय भी प्रोटेस्ट होता था, मीडिया भी प्रोटेस्ट करती थी, अरुण शूरी ने एक पूरा एडिटोरियल ब्लैक छापा था एक दिन प्रोटेस्ट में, लेकिन इस समय तो कोई मीडिया प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। ये जो तानाशाही का शासन इस समय चल रहा है और इन्होंने दूसरे तरीकों से अपने अधिकारियों को सब ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठा दिया है जो इनके सिंपैथेटिक अधिकारी हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको वो MLA MLC MP बना देते हैं, अभी गुजरात काडर के IAS अफसर को UP का MLC बनाया जा रहा है। तो इस तरह से, या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को देखिए, उन्होंने जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का फैसला दिया अब वो राज्यसभा के MP बन गए। तो ये तमाम इस तरह के तरीके अपनाते हैं इस सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए और अपने कब्जे में रखने के लिए, उसमें ये सफल हो रहे हैं। ये सिर्फ इनकी इनका पीपल्स मैंडेट नहीं है, देखा जाए तो इनको सिर्फ 39% वोट मिले थे पिछले लोकसभा इलेक्शन में, जो कि मेजोरिटी से कम है, लेकिन ये फैसले अपने ऐसे लेते हैं जैसे ये बल्कि एक दिन तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास पीपल्स मैंडेट है, हमारे पास 300 से ऊपर सीटें हैं लोकसभा के अंदर, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि उनको वोट सिर्फ 39% ही मिला था, तो 50% से ज्यादा लोग भारत के उनके सपोर्टर नहीं है, ये बात उनको ध्यान रखनी चाहिए। और वो इस तरह से फैसले नहीं ले सकते कि उन्हें पूरे भारत की जनता का समर्थन हासिल है, वो उनको नहीं हासिल है, जो इस आंदोलन में और अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया। पांडे सर, इसी सवाल से जुड़ा हुआ मेरा एक छोटा सवाल और है कि जैसे प्रशांत भूषण और ने कहा है, ही मे बी राइट और ही मे बी रॉन्ग, क्योंकि हर किसी को अपनी बात रखने की आजादी है, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि दिस अन्ना हजारे मूवमेंट ऑफ 2011, जो 2011 में अन्ना हजारे मूवमेंट चली थी, दैट वॉज एंटायरली फंडेड बाय द RSS। आई डोंट नो आइदर ही वॉज राइट और रॉन्ग। नहीं, ये इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो आंदोलन चल रहा था उसमें RSS का सपोर्ट था। आपको याद होगा कि आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसके तीन बड़े नेता थे, एक अन्ना हजारे थे, दूसरे बाबा रामदेव थे और तीसरे श्री श्री रविशंकर थे। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की होशियारी है कि उसने ये दो साधु इसमें शामिल थे उनको कोई केंद्रीय भूमिका में नहीं आने दिया, केंद्रीय भूमिका में उन्होंने अन्ना हजारे को ही रखा, इसलिए भी क्योंकि अन्ना हजारे उनकी बात सुनते थे, रविशंकर और बाबा रामदेव शायद उनकी बात उस तरह से नहीं सुनते।
तो ये अरविंद की होशियारी थी कि उसने अन्ना हजारे को सेंट्रल फिगर रखा, लेकिन ये बात सही है कि उस आंदोलन में जो जनता आ रही थी उसमें काफी और मीडिया का जो सहयोग मिल रहा था उसमें आरएसएस की भूमिका थी, आरएसएस पीछे से सपोर्ट कर रहा था, लेकिन 100% फाइनेंशियल सपोर्ट आरएसएस का था ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि शांति भूषण जी ने खुद 3 करोड़ रुपए दिए थे आंदोलन को, और ये जिंदल फाउंडेशन, जिंदल तो भाई कांग्रेस के एमपी है नवीन जिंदल, लेकिन जिंदल परिवार के फाउंडेशन ने भी बहुत पैसा दिया था। एक अरिंदम चौधरी है जो एक इंस्टीट्यूट चलाते थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आरएसएस बीजेपी से नहीं भी जुड़े हुए थे जिन्होंने फंड दिया था, लेकिन ये बात आपकी सही है कि पीछे से आरएसएस सपोर्ट कर रही थी क्योंकि वो कांग्रेस गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करना चाहती थी, इतना तो उसका रोल था और उसको फायदा मिला क्योंकि और मैंने ये भी सुना है क्योंकि मेरे भाई प्रचार में गए थे अरविंद के जब वो दिल्ली का पहला चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां पे आरएसएस वर्कर बकायदा कहते थे कि केजरीवाल फॉर दिल्ली एंड मोदी फॉर यूनियन गवर्नमेंट, तो केजरीवाल और मोदी का साथ साथ प्रचार हो रहा था वो जो पहला चुनाव अरविंद केजरीवाल ने लड़ा था, तो इसमें कुछ सच्चाई है कि आरएसएस के लोग उसमें शामिल थे। सर इसी पॉइंट पे मेरे को आई कीप वंडरिंग कि एक डेमोक्रेसी में हम रूलिंग पार्टी तो हम चलो सब देख ही रहे हैं कैसे डोमिनेट करिए, बट सर ऑपोजिशन पार्टी का भी एक इक्वली इम्पोर्टेंट रोल हमेशा से रहा है, जो यूजुअली कांग्रेस गवर्नमेंट में द प्रोटेस्ट दैट यू टॉकिंग अबाउट बहुत बीजेपी ने वेहमेंटली सपोर्ट किया था इन यू नो दिस डिसेंट एंड इट सर्व्ड एज अ व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन फॉर दिस पब्लिक ओपिनियन एंड डिसेंट, एंड सो इन द लास्ट 7-8 years ये वी सी के मीडिया ने भी सपोर्ट नहीं किया है, उन्होंने भी मुंह पलट लिया है, बट वेयर इज दिस ऑपोजिशन पार्टी एंड वेयर इज दैट की रोल एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू टैक्स मेड बाय राहुल गांधी एंड अ फ्यू स्टेटमेंट्स मेड हियर एंड देयर, दे हैव बीन कम्प्लीटली अमिस। सीए में उनका कुछ नाम नहीं आया, जामिया मिलिया जेएनयू में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ कहीं उनका कोई स्टेटमेंट तक नहीं आया, अभी फार्मर प्रोटेस्ट 2 महीने से चल रहे हैं हमें फिर उन्हें कुछ देखने का नहीं मिलता, वाई इज दिस ऑपोजिशन मिसिंग? देखिए ये भी इसमें भी बीजेपी की होशियारी है जिस तरह से उसने काम किया है, इसने जितने बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनकी कमियों को पकड़ के उनको ब्लैकमेल किया हुआ है, जैसे कि मायावती के बारे में तो अब सब लोग मानते हैं कि उनका जो केस है डिसप्रोपोर्शनेट इनकम डिसप्रोपोर्शनेट टू एसेट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू इनकम, ये वाला जो केस मायावती के खिलाफ चल रहा है इसका डंडा इन्होंने मायावती को दिखाया हुआ है कि अगर मायावती इनका अपोज करेंगी तो वो उनको उसी तरह से जेल भेज देंगे जैसे उन्होंने लालू को भेजा हुआ है। और अभी आज की खबर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो मायावती के साथ एक जमाने में हुआ करते थे, सीनियर मिनिस्टर थे, अभी कांग्रेस पार्टी में है, उनको जेल भेजा गया है, और एक दूसरे राम अचल राजभर है बड़े नेता, उनको भी जेल भेजा गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक स्वाति सिंह मिनिस्टर है उनके खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणियां की थी, और ये टिप्पणियां इसलिए की गई थी क्योंकि स्वाति सिंह के हस्बैंड ने मायावती को लेके कुछ टिप्पणियां की थी, मतलब वो जो टिप्पणी की थी वो तो बहुत ही बुरी थी, तो उनको कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो ऑपोजिशन के लीडर्स थे उनको जेल भेज दिया गया, तो ये इस तरह का डर दिखाते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी या गांधी फैमिली भी ये थोड़ा डरती इस बात से है क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का एक मामला है हरियाणा का जहां उन्होंने एक एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा और फिर हरियाणा गवर्नमेंट जो उनकी गवर्नमेंट थी उससे उसका लैंड यूज चेंज कराया तो उसकी कीमत बढ़ गई, और जब उसकी कीमत बढ़ गई तो वो जमीन उन्होंने बेच दी बड़े एक ज्यादा दाम पे और बिना कुछ किए उन्होंने पैसा कमा लिया। तो ये जो उन्होंने इस तरह के जो काम किए थे कांग्रेस की सरकारों की मदद से वो सारे काम जो है अगर ये इनका ज्यादा कड़ाई से अगर विरोध करेंगे कांग्रेस के लोग तो वो मामले इनके खोले जाएंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी ये डर है। और दूसरा मैं देखता हूँ कि राहुल गांधी में
वो चीज नहीं दिखाई पड़ती कि वो किसी एक इशू को लेके और अंत तक उसको लेके लड़े। जैसे उन्होंने रफेल का मुद्दा इतने जोर शोर से उठाया था लोकसभा चुनाव के पहले, और जब चुनाव उनकी पार्टी हार गई तो वो एकदम ठंडे पड़ गए। भाई अगर रफेल में करप्शन हुआ है तो उनको फिर उस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए था और उसको एक कल्मिनेशन तक ले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लेके गए। इसी तरह से मुझे याद है एक राहुल गांधी ने एक प्रक्रिया शुरू की थी, बहुत अच्छी बात थी वो जाके दलितों के घर में रात को रुकते थे, लेकिन वो भी उन्होंने तब तक किया जब तक इलेक्शन हुए, फिर इलेक्शन के बाद उन्होंने वो बंद कर दिया। तो इससे लोगों को लगता है कि ये सब इलेक्शन के लिए स्टंट है और लोगों का वो विश्वास नहीं बन पा रहा कि वो एक कोई बहुत मजबूत नेता बन पाएंगे, एक उनकी वो छवि नहीं बन पा रही है। इसका भी खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि मोदी की तुलना में और बीजेपी की तुलना में कांग्रेस में कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि वो फ्लेक्सिबल है, लोगों की बातें सुनती है, उसके साथ आप बात कर सकते हैं, कुछ चीजें मनवा सकते हैं, आप कम से कम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मुझे याद है मनीष शंकर अय्यर ने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए जो कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला हुआ था, कमलनाथ नहीं वो पुणे के जो मिनिस्टर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस समय, रेलवे मिनिस्टर रहे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो कॉमनवेल्थ गेम्स के इंचार्ज थे, और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए मनीष शंकर अय्यर ने कहा कि मैं उतने दिन देश में नहीं रहूंगा जब तक ये कॉमनवेल्थ गेम्स चलेंगे। तो उनकी सरकार में ये गुंजाइश थी कि अपनी सरकार की क्रिटिसिज्म भी वो सहते थे और प्रोटेस्ट भी सहते थे, लोगों से बात भी करते थे। उस मायने में तो कांग्रेस कम से कम बीजेपी से बेहतर है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उससे आप बात कर सकते हैं। और राहुल गांधी के बारे में मेरा एक ही बार उनसे मुलाकात हुई है और मेरा मानना है कि वो बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हैं, वो एक एक्टिविस्ट है, पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन उसमें भी कोई बुराई नहीं है। एक्टिविस्ट जैसा अगर आदमी भी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि वो एक सेंसिटिव प्रधानमंत्री बनेंगे अगर बनेंगे तो, और उनको भी मौका मिलना चाहिए, जनता को उनको मौका देना चाहिए। बस थोड़ा एक डिटर्मिनेशन की कमी नजर आती है, लेकिन उम्मीद है कि जैसे वो मैच्योर होंगे उनकी ये कमी भी दूर होगी। राइट सर, आई थिंक बहुत हद तक द वे मीडिया हैज बीन प्रोजेक्टिंग दीज लीडर्स, लाइक अभी चैट में किसी ने पूछा है कि व्हाई इज कांग्रेस नॉट रेडी टू सी बियॉन्ड द गांधी फैमिली, and this is very correct. A lot of people have always raised this question that why are you so stuck up on this Gandhi name and using it, why has it become a tradition, you know, ki isi family se hi leaders congress ke aayenge. This lack of leadership I would always believe is one of the major reasons. We do not have very responsible leaders we can choose. So like sir said, congress mein bhi kamiyan thi, bjp ne over overtake kar liya, so we don't have many choices, we just have to choose between the lesser evils. Which is not fair. We as people need, एक तो हमारी रिप्रेजेंटेशन ही इतनी अनफेयर हो जाती है जिस तरीके से हमारे लोकल पॉलिटिशियंस चुने जाते हैं, जो आगे हमें एमपी में पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट होल साइकिल आई थिंक हैज नॉट मूव्ड बियॉन्ड द शैकल्स ऑफ द ओल्डर इवल्स जो हम प्रैक्टिस किया करते थे, लाइक आपको कास्टिज्म, आपको अलग लेवल का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो इवल्स था, वो ही आपको जो इकोनॉमिक बाइफर्केशन थी वही कहीं ट्रिकल डाउन होके पॉलिटिकल हो गई, जैसे ही कोई उठने लगता है उसी टाइम उसको एक प्रोपेगेंडा बना के उधर ही बिठा दिया जाता है। सो आई थिंक वन ऑफ दीज मेन रीजंस, एंड सो मे बी यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट, व्हाई कैन कांग्रेस नॉट सी बियॉन्ड द गांधी फैमिली। जी देखिए, इसमें राहुल भाई इनकी मजबूरी ये है कि अगर कांग्रेस के अलावा कोई लीडर बनेगा तो कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी। एक बार आपको याद होगा जब सीताराम केसरी प्रेसिडेंट थे और कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो शरद पवार भी खड़े हो गए थे और सोनिया गांधी भी थी, और फिर शरद पवार ने अलग होके एक पार्टी बना ली, आज भी उनकी पार्टी अलग है। तो कांग्रेस को लोगों को लगता है कि अगर अगर गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति टॉप लीडरशिप पोजिशन में नहीं रहेगा तो पार्टी बिखर जाएगी, और इस बात में सच्चाई भी है क्योंकि कांग्रेस उस तरह की रेजिमेंटेशन वाली पार्टी नहीं है जिस तरह से बीजेपी है कि जो बात ऊपर से कही जाएगी वो सबको मानना मजबूरी है। कांग्रेस के अंदर थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी है,
और इसलिए उसमें बहुत सारे लीडर्स हैं जो जो टॉप लीडरशिप पोजीशन के लिए जो है दावेदार हैं। तो हमें लगता है कि सबसे अच्छा मॉडल ये रहेगा जो सोनिया गांधी ने बनाया था कि वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। इसी तरह अगर टॉप लीडरशिप पोजीशन गांधी फैमिली के पास हो लेकिन प्रधानमंत्री कोई और बने, कोई ज्यादा काबिल व्यक्ति, जैसे कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जयराम रमेश हैं, शशि थरूर हैं और भी अन्य लोग हैं जो जो काफी केपेबल हैं, तो आप किसी केपेबल व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बनाइए और आप टॉप लीडरशिप अपने पास रखिए, तो ये एक मॉडल काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक जनता को भी खुले मन से ये सोचना चाहिए कि भाई ये जो बात जिस तरह से उनको बदनाम किया जाता है, ये मतलब क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है, उनकी भी मजबूरी ही है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि सोनिया गांधी तो एक बार उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी, उनको लोगों ने काफी समझा बुझा के उनको वापस लाया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई उस तरह से पावर हंग्री लोग हैं, वो काफी प्रिविलेज पोजीशन में हैं और वो पोजीशन उनकी बनी रहेगी, उन्हें कोई जरूरी नहीं है सत्ता में रहना, इसलिए भी उनको चाहिए कि उनको तो डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भाई हम कभी भी कोई पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, हम चुनाव करके अपनी पार्टी के अंदर तय करेंगे कि कौन हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। वैसे भी लोकसभा एमपीज के बीच में चुनाव होना चाहिए प्रधानमंत्री तय होने के लिए, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लीडरशिप तय हो और ओवरऑल सुपरविजन उनका रहे, तो वो एक मॉडल काम कर सकता है और जनता को भी इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही सर, एंड ऑल्सो आई थिंक द मेजर प्रॉब्लम दैट हैज कम अक्रॉस इज द अगेन द पोर्ट्रेयल, द वे वी परसीव कांग्रेस लीडर्स, वो एक चीज सब बहुत मिस कर जाते हैं कि कांग्रेस इज ऑलवेज रिलेटेड एंड डायरेक्टली बीन हेल्ड इन अकाउंट ऑफ द स्कैम्स दैट वर एक्सपोज्ड, बिकॉज जब जैसे ही आरटीआई आया एंड इमीडिएटली ऑब्वियसली एज सून एज द सिस्टम बिकेम अ लिटिल मोर ट्रांसपेरेंट अंडर द कांग्रेस रिजीम, तो सारे के सारे स्कैम्स जो थे वो एक्सपोज होने लग रहे, कोल स्कैम, 3G स्कैम, 2G स्कैम, एंड यही तो मेमोरी आई थिंक जो हमारी रह जाती है बहुत सिलेक्टिव होती है, एंड बिकॉज द वे इट वॉज पोर्ट्रेड इन द मीडिया कॉन्स्टेंटली, कांग्रेस स्कैम, एंड इट वॉज कंटिन्यूसली बींग रिटन एंड यू नो बींग सेंट थ्रू, तो समवेयर अलॉन्ग द लाइन मोस्ट ऑफ द masses have kind of developed this distrust with the government ki congress means die scams. On the other hand, similarly, but what we kind of tend to forget is now BJP because of its whole Hindutva model and how it all started propagating with the whole Rath Yatra and making it like giving it a whole Hindu agenda, so wahan pe unka distrust aa jata hai that they are anti minorities and anti marginal groups. So this kind of perception when we are being so selective ki hum sirf uska negative hi dekhenge, so we won't be able to have a holistic picture of how to move forward, and maybe there are a lot of problems I guess, but so does every system, but for me what happens to be the most important is democracy. You know, you have to keep the democratic and the secular spirit because you're talking about India, land of varied cultures and religions and people, and how to move forward with 1.3 billion people becomes a Herculean challenging task. It's not easy. Aap itni sari states ko barabar lekar aage kaise badh sakte hai? It's not at all easy. But I guess for me, yes, like sir said, Congress was still doing a better job ki kam se kam slow chal rahe the lekin sabko pooch ke chal rahe the ki aap bhi aage aaiye, aap bhi aage aaiye. They were ensuring har state thoda thoda baby steps mein aage jaye. Rather than BJP just pushing it like speed mein ye 3-4 states ka growth model, baaki sab piche hato, hum aage development karenge. Like this is the kind of general perception that goes out. And on that note, I think Omkar ji is with us and we cannot end the session and we are going beyond time. But Omkar ji ki kavita ke bina to nahi khatam ho sakta. Omkar ji, aap hain? Yeah, absolutely. राहुल का एक क्वेश्चन है, आई थिंक फ्रॉम संदीप सर, वी आर मिसिंग द क्वेश्चन। वो ठीक है, वो उसका एक लाइन में आंसर है कि बिल्कुल प्रियंका गांधी भी लीडर बन सकती हैं, और मुझे तो लगता है कि
उनको आगे आना चाहिए, पर ये तो कांग्रेस के अंदर का फैसला है कि वो किसको लीडर बनाएंगे। पर वो भी एक अच्छी लीडर बन सकती हैं, जो अभी तक उनका देखा है हम लोगों ने, जिस तरह से वो कई बार इनिशिएटिव लेते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये जो इनिशिएटिव लेते हैं राहुल या कांग्रेस या प्रियंका, ये सस्टेन क्यों नहीं करते हैं? वो बीच बीच में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, फिर वो पैसिव हो जाते हैं लंबे समय के लिए। तो वो जो एक्टिव होते हैं उसको सस्टेन करना चाहिए। Yeah, absolutely. And sir, Onkarji is there with his poem. Yeah. He's my mom's student and he always presents with patriotic and encouraging poems. Ji ji. Swagat hai Onkarji. Haan ji sir, Sat Sri Akal ji Saranu. Ji, Sat Sri Akal ji. Te aaj kavita likhi hai ji, jehdi ahe daily meeting hoi jandi hai thode dinan baad, agge agge tareekan paai ja rahe ne. Ude te kuch lainaan likhiyan si pesh karan lagya ji. नित तरीकां उत्ते पाई जामे होर तरीकां, कोई फायदा नहीं मिलना वाके पानी उत्ते लीकां, जिन्ना समा लंघावेंगा एक कट होर भी जुड़ने, खाली हाथ आए जो दिल्ली हक लैके घरां नूं मुड़ने, हक लैके घरां नूं मुड़ने। मामा खोण नूं फिरदे हो साडे कोलों, तूतां वालियां छावां पाल बैठे हो दिल विच जिहड़े बहम सारे ही रुड़ने, खाली हाथ आए जो दिल्ली हक लैके घरां नूं मुड़ने, हक लैके घरां नूं मुड़ने। साल पूरे दा राशन लैके खड़ी आ वेख ट्राली, दिल ते जिगरे बहुत बड़े ने भावें जेबां खाली, बाबे नानक दे लंगर ना जुगा जुगा तक थुड़ने, खाली हाथ आए जो दिल हक लेके घरां नूं मुड़ने, करदा तेरा झूठ बाज कढ़ता सच वाला अखबार, ओंकार झूठे चैनल चक्की वाले पुड़ विच पुड़ने, खाली हाथ आए जो दिल्ली हक लेके घरां नूं मुड़ने, ये हक लेके घरां नूं मुड़ने। ते उम्मीद करदे आ परमात्मा अगे अरदास भी है कि जल्दी जिहड़े अपने हक आपां नूं मिलन, ते सारे खुशी खुशी जिहड़ा अपने घरें अपने परिवारां दे विच पहुंचण। बहुत बहुत शुक्रिया जी सारिआं दा। थैंक यू ओंकार जी, थैंक यू। एज ऑलवेज इट फिल्स अस विद होप एंड क्योंकि लड़ाई लंबी चलनी है एंड वी कैन जस्ट डू आवर ओन पार्ट इन दैट, यू नो एवरीबॉडी लाइक लॉट ऑफ पीपल हैव देयर लिमिटेशंस, कोई नहीं जा सकदा प्रोटेस्ट दे नाल नहीं जुड़ सकदा, बट अपने जिन्ना भी तुसीं कर सकदे हो एडवोकेसी अवेयरनेस you know, mobilizing with people, educating them, I think this is a tribute to all those protesters. And yes, tomorrow's session is very important. Sandeep ji, I have invited advocate Raman Bhattal, who has been a very activist and an practicing advocate. Jo protest sites pe bhi she has given interviews and we want to discuss the constitutional framework and principles of federalism that in the context of the farm bills. So you know, it will be great if you can come, and for everybody who's here attending the session, we shall be posting details of the poster and the session, and the title has already been revealed. So I think this is a topic that we must pick up and discuss about federalism and in the context of farm bills, and how there is a change of dynamics, and how, you know, there has jaise center ne law pass kiya, wo to we have discussed it multiple times, but agriculture is a primarily a state subject. So in light of that, we would like to have a discussion on that. And thank you so much everyone for joining in, and we can keep the questions for okay, yeah. So this is yeah, I think Harleen, you can make the conclusion. I have to leave. Yeah thank sure. you sir, see you tomorrow. Thank you. I think Kiki ji kafi der se kuch puchna cha rahe hain, disconnect ho gaye the. So haan ji, aap hain yahan pe? Bilkul. Haan ji, main Sandeep ji ye puchna chahti thi ki jab ye sara law bane hain, जब ये सिर्फ स्टेट बना सकती है तो सेंटर इसमें कैसे आ गई जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे बनाए? नहीं, इसीलिए सिमरन ने ये कल फेडरलिज्म वाला डिबेट रखा है कि ये आपकी बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में एग्रीकल्चर जो है स्टेट सब्जेक्ट है,
और ये कार्बन स्टेट को ही बनाने चाहिए थे। ये इन्होंने स्टेट की पावर्स को यूसर्प कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे कि इन्होंने बाकी कई चीजों में किया हुआ है। तो ये भी इनकी प्रॉब्लम है, ये जिस तरीके से काम करते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि ये एक रेजिमेंटेशन वाला संगठन है, इसमें ऊपर से सब कुछ तय होता है, इनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, और वही मॉडल ये देश के ऊपर भी थोप रहे हैं। तो अनुशासन के नाम पे एक तरीके से तानाशाही है ये, ये बिल्कुल गलत किया है इन्होंने। और कायदे से सुप्रीम कोर्ट को तो इसी आधार पे इन कानूनों पे रोक लगा देनी चाहिए। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऐसा किया क्यों नहीं जी? उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपनी डेमोक्रेसी में देखिए जो तीन पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, तो ये माना जाता है कि जो लेजिस्लेचर है वो हालांकि तीनों का इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन लेजिस्लेचर को थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है कि क्योंकि उसे जनता इलेक्ट करती है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो तो सिलेक्ट होके आते हैं एग्जामिनेशन में, जजेस भी वो सिलेक्शन के थ्रू आते हैं, लेकिन हमारे लेजिस्लेचर में इलेक्शन से आते हैं। तो ये माना जाता है कि लेजिस्लेचर जो है वो जनता का प्रतिनिधि, और डेमोक्रेसी में जनता के प्रतिनिधि को ज्यादा सुप्रीम माना जाता है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है कि हम कानून बनाने के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करें, लेकिन अगर कहीं कानून हमारे संविधान की भावनाओं के खिलाफ जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकती है, खास करके अगर कहीं फंडा, यही हमारे सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है क्योंकि इसमें कहीं कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। तो इस तरह का कोई बेसिक वायलेशन हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता था, लेकिन अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ी 2 महीनों की रोक लगाई है, पूरी रोक नहीं लगाई है, क्योंकि पूरी रोक लगाने से ये गलत प्रेसिडेंट भी सेट हो सकता है कि कल कोई अच्छा कानून बने और उसको भी सुप्रीम कोर्ट रोकने की कोशिश करे। इसलिए मैंडेट तो जनता का है, उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन मुसीबत ये है कि इस समय जो सरकार आ गई है वो डेमोक्रेसी मानती नहीं है। देखिए जब इन्होंने कश्मीर पे 370 और 35 से हटाने का काम किया तो पार्लियामेंट में बहस ही नहीं होने दी, बल्कि जो सबसे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से, उनको पार्लियामेंट अटेंड तक नहीं करने दिया, उनके घर के बाहर पुलिस लगा दी। तो ये तो सरासर गुंडागर्दी है कि आप पार्लियामेंट में बहस ही नहीं होने दे रहे हैं, आप जो सबसे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसके फादर की वजह से, शेख अब्दुल्ला की वजह से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, आप उसको डिबेट में नहीं आने दे रहे। तो ये सरकार चूंकि गलत तरीकों से काम कर रही है इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये करना पड़ा, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, नहीं तो वैसे पार्लियामेंट ही सुप्रीम होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। जी थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। एंड आई थिंक विद दैट आज का सेशन हम बंद कर सकते हैं सर, आई थिंक वी आर ऑलरेडी अबव टाइम। But आज का बहुत informative था, we had a lot of questions and we covered and got to learn new things about this farmer protest, जो हमें ऊपर से दिखती भी नहीं है, but they should be the basic and premise of this whole contention कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, because this is not just, like I always say, this is not just one protest, this is a culmination of a series of events that has been happening in the recent history. ये सब जुड़ जुड़ के, रुक रुक के जो ये प्रेशर क्रिएट हो गया, तो ये वो स्प्रिंग वाला एक्शन हमें अब देखने को मिल रहा है। एंड आई थिंक कल का सेशन और व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस ऑन द होल आइडिया ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया एंड हाउ इट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड विल बी टेकन अप टुमारो, सो प्लीज सब कल आ जाए, आपका स्वागत है, प्लीज बी देयर एंड ब्रिंग योर क्वेश्चंस एंड वी विल हैव दिस फोरम ओपन फॉर डिस्कशंस ऑन दैट। सो विद दैट आई थिंक वी विल टेक योर लीव। ओके सर, and happy Gurpurab to all. thank you, Sat Sri Akal. Thank you, same to you.